मजबूरी ने तय किया कामयाबी का सफर। जी हाँ, गुरुग्राम से ज्योति निकली थी साइकिल पर अपने पिता को दरभंगा ले जाने के लिए, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि जैसे साइकिल का चक्का घूम रहा है, एक दिन इसी मजबूरी से उसका जिंदगी का चक्का भी घूम जाएगा और कैसे उसकी जिंदगी बदल जाएगी कुछ ही मिनटों में। तो आप ये रिपोर्ट देखिए। मेरे पास खाने होने के लिए पैसा उसा नहीं था। एक वायरस ने दस्तक दी तो पूरे देश का चक्का रुक गया, तो समस्या उनके सामने आई जो दूर गांव से हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर आए थे ये सोचकर कि चलो शहर में दो जून की रोटी कमाएंगे। लेकिन क्या पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि उन्हें यूं वापस अपने ही गांव जाना पड़ेगा। उन वापस जाने वाले लोगों में से एक थी ज्योति। लॉकडाउन में अपने पिता मोहसिन पासवान को साइकिल पर बिठाकर 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी 8 दिन में तय कर गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा पहुंच गई थी। ज्योति जब इस साइकिल पर पैडल को मारकर बिहार के दरभंगा पहुंची तो उनके साथ उनकी साइकिल पर एक मजबूरी थी, मजबूरी पेट को भरने की, मजबूरी खुद को और उस बूढ़े पिता को जिंदा रखने की। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी किस्मत को बुलंदी की ओर लेकर जाएगी। जिस साइकिल पर वो पैडल मार रही थी उस साइकिल ने न सिर्फ उन्हें बिहार के दरभंगा तक पहुंचा दिया है बल्कि ज्योति को कामयाबी की उस सीढ़ी की ओर पहुंचा दिया है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। भारतीय साइकिलिंग महासंघ के निर्देशक वीएन सिंह ने कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा पहुंचाती ज्योति को क्षमतावान करार देते हुए कहा कि महासंघ उसे ट्रायल का मौका देगा और अगर वो CFI के मानकों पर थोड़ी सी भी खरी उतरती है तो उसे विशेष ट्रेनिंग और कोचिंग मुहैया कराई जाएगी। ये जानकर खुद वीएन सिंह भी हैरान थे कि आखिर कोई कैसे रोजाना 100 किलोमीटर तक साइकिल चला सकता है। वीएन सिंह ने ज्योति से बात कर कहा कि मैंने उससे बात की थी, उसे बता दिया है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब भी मौका मिलेगा वो दिल्ली आए, इंदिरा गांधी स्टेडियम में उसका छोटा सा टेस्ट लेंगे। हमारे पास वॉट बाइक होती है जो स्थिर बाइक है, इस पर बच्चे को बैठाकर 4-5 मिनट का टेस्ट किया जाता है। इससे पता चल जाता है कि खिलाड़ी और उसके पैरों में कितनी क्षमता है। वो अगर इतनी दूर साइकिल चलाकर ले गई है तो निश्चित तौर पर उसमें क्षमता है। वीएन सिंह समेत आप सबके मन में यही सवाल है कि आखिर कैसे एक लड़की इतनी दूर साइकिल चलाकर ले जाती है। लेकिन जब पेट में आग लगी हो, जब पिता की जेब खाली हो, घर का चूल्हा ठंडा पड़ा हो, तो ये क्या कोई भी आदमी इससे भी बड़ा कारनामा कर सकता है। मेरे पापा मजदूर कमाते हैं और रूम में रहते थे और मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो वहीं हम गए थे, गए तो यही लॉकडाउन हो गया। मेरे पास खाने होने के लिए पैसा उसा नहीं था तो मेरे पापा को बोले साइकिल से चलिए, तो मेरे पापा मान नहीं रहा था साइकिल से आने के लिए, तभी भी पापा को मना के फिर साइकिल से पापा को लेके आए और लेके आए तो यहाँ पे वो आगे कोई कोई मदद दे दिया और साइकिल से आए और कोई कोई खाना दे दिया तो ही खाते पीते आया। दो दिन हम लोग भूखले थे तो दो दिन भूखा थे और 10 बजे कल गए हम लोग और 7 दिन में पहुंच गए। पिता के लाख मना करने के बाद भी ज्योति ने हिम्मत नहीं हारी और वो तैयार हो गई कि पिता को पीछे के कैरियर पर बिठा कर अब तो दरभंगा तक ही जाना है। हरियाणा में रह रहे थे, करीब एक्सीडेंट हो गया, उस वजह से हम लोग काफी दिन से वहाँ पे रह रहे थे, लॉकडाउन में फंस गए थे, खाने पीने की काफी दिक्कत हो रहा था, कमरा मालिक भी काफी दबाव डाल रहा था, कभी इस महीने में लाओ भाई कमरा किराया लाओ, लेकिन हम लोग सोच रहे थे चलो भाई लॉकडाउन खत्म होगा काम करके उसको दे देंगे पैसा काम करके, लेकिन लॉकडाउन बढ़ता ही गया, कुछ खाने पीने की भी दबाव चल रहा था, दबाव बंद हो गया, वहाँ राशन पानी हम लोग को मिल नहीं रहा था, काफी दबाव था राशन पानी का भी, भूखमरी भी हो गया था, पैसे से था नहीं, फिर भी मेरी बच्ची ने बोला जो पापा चलो बिहार ले चलते हैं साइकिल से, मैंने बोला बेटा देखो 4-5 किलो तो है नहीं जो तुम ले चलोगे यहाँ से खींच के, 12-13 किलोमीटर है कैसे जाएंगे, तो बोला जितने पैदल भी लोग चलते हैं कभी पैदल चलेंगे कभी होगा तो साइकिल से ले चलेंगे,
तो बेटा हम वजनदार हैं फिर भी नहीं ले जा पाओगी, फिर भी कोशिश करा, चलिए देखते हैं पापा हिम्मत तो कीजिए आप, कम से कम लोगों के भीड़ में निकल जाएंगे। वही लड़की मेरी हिम्मत करके लाई है, कोशिश करके वहाँ से करीब 12 गुड़गांव से दरभंगा और हमारे गांव तक लेके आई है। गुरुग्राम से साइकिल लेकर निकली ज्योति की मंजिल तब सिर्फ बिहार थी, लेकिन अब उसकी मंजिल देश के लिए, अपने घर के लिए साइकिल चलाना है। तब उसकी साइकिल के पहिए घूम रहे थे क्योंकि तब उसको अपने जीने के लिए अपने गांव तक पहुंचना था, लेकिन अब उसकी साइकिल के पहिए घूमेंगे क्योंकि उसे सितारा बनकर चमकना है। खतरों से हंसकर खेलना, इतनी तो हम में हिम्मत है। मौत को हमें हराना, इतनी तो हम में ताकत है। ये ज्योति ने दिखाया है कि परिस्थिति कोई भी हो, वो मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं जिनमें कुछ कर दिखाने का हौसला होता है। ये बात और है कि उस दौरान ज्योति की मंजिल सिर्फ और सिर्फ बिहार की दरभंगा थी, क्योंकि पेट की आग को शांत करना था, जीना था। लेकिन आज उसकी मंजिल कुछ और है, वो देश के लिए एक मेडल लाना चाहती है। ये किसी ने नहीं सोचा था कि साइकिल के पहिए घूमेंगे तो ज्योति की किस्मत का पहिया भी इस तरीके से घूम जाएगा। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।